नमस्कार। बिहार में खेला होने की चर्चा पिछले एक महीनों से चल रही है, लेकिन खेला अब तक खत्म नहीं हुआ है। एक ओर बिहार में बयानबाजी जारी है, विधायकों को तोड़ने का खेल भी जारी है, तेजस्वी यादव का जनविश्वास यात्रा भी जारी है, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आरजेडी के अब तक कुल 4 विधायक टूट चुके हैं, कांग्रेस के 2, यानी कि 6 विधायकों को भाजपा ने बिहार में तोड़ लिया है। तो तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा से क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है? क्या बिहार में खेला अभी बाकी है? बीजेपी और जेडीयू वाले खेला खत्म कर लेंगे तब क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव का खेला शुरू होगा? बिहार के सियासत में आने वाला वक्त क्या कुछ और कैसा होगा, यह आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। आपसे ये कहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप बारीकी से ये समझ सके कि बिहार में सियासी घटनाक्रम कैसे बदलते जा रहा है। लेकिन सब कुछ बदलाव होने के बावजूद तेजस्वी यादव का रफ्तार क्यों नहीं रुक रहा है? तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की अगली रणनीति ऐसी क्या होगी कि भाजपा चारों खाने बिहार में चित हो जाएगी? जनविश्वास यात्रा से तेजस्वी यादव को कितना फायदा मिलेगा, यह भी आपको बताएंगे। इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहार दहलीज पर खड़ा है लोकसभा चुनाव के तैयारियों में है। 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने के लिए और बिहार की जनता तैयार है वोट देने के लिए। लेकिन वोट किसे किन मुद्दों पर मिलेगा, यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ हैं। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2023 को बीजेपी के साथ एक बार फिर से गठबंधन कर लिए थे। इससे पहले वो 1.5 सालों तक, कुल 17 महीनों तक बिहार में महागठबंधन की सरकार में मुखिया बनकर रहे, यानी तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट की पार्टियों के साथ नीतीश कुमार रहे। 17 महीनों के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार उसी जगह चले गए जहां से वो आए थे। उनके जाने के बाद तेजस्वी यादव ने 28 जनवरी को ही ये बयान दिया था कि नीतीश कुमार ने जो खेल शुरू किया था उस खेल को हम खत्म करेंगे। खेल तो अभी शुरू हुआ है। बिहार के सियासत में अब इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि खेला क्या होगा। 12 फरवरी की तारीख रखी गई फ्लोर टेस्ट के लिए। विधानसभा के अंदर विधायकों को पहुंचकर वोटिंग करना था सरकार के समर्थन में और सरकार के विपक्ष में। इससे पहले तेजस्वी यादव के आवास पर पटना पुलिस के छापे परवाए गए। तेजस्वी यादव उसी घर पर मौजूद थे जहां से पटना पुलिस ने आरजेडी के एक विधायक को बाहर निकाला। ये आरोप लगे कि तेजस्वी यादव ने विधायकों को बंधक बनाकर रखा था। चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी के विधायक वो सबसे पहले बागी हो गए। जेडीयू को इस बात का डर था कि लालू प्रसाद खेला कर देंगे, क्योंकि 1 दर्जन के करीब विधायक लालू प्रसाद यादव के संपर्क में होने का दावा किए जा रहे थे और दूसरी ओर नीतीश कुमार और भाजपा से नाराज चल रहे थे। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट के दौरान भी जेडीयू के एक विधायक मौजूद नहीं हुए। खैर, इन सब से इतर आरजेडी के 3 विधायकों को जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर तोड़ लिया। जिन 3 विधायकों को 12 फरवरी को जेडीयू और भाजपा ने मिलकर तोड़ा, उनमें सबसे पहला नाम चेतन आनंद का है, दूसरा नाम नीलम देवी का। मोकामा से वो विधायक हैं, बाहुबली बिहार के छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की पत्नी हैं। इसके बाद लखीसराय के सूर्यगढ़ा से विधायक प्रहलाद यादव, इन 3 लोगों ने आरजेडी का साथ छोड़ा। सवाल उठे कि तेजस्वी यादव तो खेला करने चले थे, क्या वो बाजी हार गए? तेजस्वी ने कहा कि नहीं, बाजी अभी हारे नहीं है, खेल अभी बाकी है। आगे अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर कहा कि वो जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी जनता के बीच गए। 20 फरवरी 2024 से तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की। तेजस्वी ने दावा किया कि वो जनता का विश्वास मांगने जा रहे हैं।
3 मार्च की तारीख रखी गई है राजधानी पटना के गांधी मैदान को भरने की, पटना के गांधी मैदान से हुंकार भरने की, जहां लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी और लेफ्ट के बड़े नेता हुंकार भरेंगे, बिहार की सियासी जमी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। तेजस्वी जनविश्वास यात्रा पर गए, लेकिन जब तेजस्वी यादव का जनविश्वास यात्रा भागलपुर से बांका की ओर प्रस्थान कर रहा था, इस बीच ये खबर आ गई कि आरजेडी के एक और विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है। जिस विधायक को आरजेडी के जिस विधायक को बीजेपी ने तोड़ा, वो विधायक तेजस्वी यादव की बेहद करीबी कही जाती थी। नाम है संगीता कुमारी, मोहनिया से विधायक हैं, तेजस्वी यादव के खासम खासों में से एक मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को धोखा दे दिया। इसके अलावा कांग्रेस के दो और विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, नाम मुरारी गौतम चेनारी से कांग्रेस के विधायक, दूसरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ विक्रम से विधायक। इन दोनों विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके पाले में जाकर बैठ गए। विधानसभा के अंदर से भी तस्वीरें आई और इसके बाद तेजस्वी यादव तो कुछ नहीं बोले। उनकी पार्टी आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा का यह बयान सामने आया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तो सियासी घटनाक्रम है, तेजस्वी यादव के जनविश्वास यात्रा से क्या वाकई बीजेपी घबराई हुई है, ये भी समझना जरूरी है। तेजस्वी यादव बिहार में जनविश्वास यात्रा पर हैं और ये जनविश्वास ज्यों-ज्यों आगे की ओर बढ़ रहा है, यात्रा में लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है। तेजस्वी यादव जहां 2 घंटे में जा सकते थे, वहां 8 घंटे में पहुंच रहे हैं। वजह यह है कि नुक्कड़ सभा और रोड शो के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को ये बताने गए हैं तेजस्वी कि कैसे 17 महीनों की सरकार में उन्होंने इतना काम किया कि 17 सालों की नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बिहार में जनता के साथ वो काम नहीं कर पाई। तेजस्वी जनता के बीच जाकर बता रहे हैं पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का मतलब क्या था। तेजस्वी जनता के बीच जाकर ये बता रहे हैं कि 17 महीने के अंदर लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां दी। तेजस्वी यादव जनता के बीच जाकर ये बता रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। तेजस्वी जनता के बीच जाकर ये बता रहे हैं कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं बिहार में बढ़ाई गई, दायरा 75% तक किया गया। तेजस्वी जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि बिहार के आम आवाम के फायदे के लिए बिहार में वो सरकार में रहते जातीय जनगणना का काम करवाएं। तेजस्वी इन तमाम बातों को जनता के बीच जाकर गना रहे हैं, लेकिन यात्रा में बढ़ते भीड़ के बीच ये खबर आती है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो तेजस्वी यादव के इस यात्रा को लेकर यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी के यात्रा का यह असर है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह और राजनाथ सिंह को बिहार में दौरा करना पड़ रहा है। बीजेपी को डर है कि तेजस्वी के तेज रफ्तार से कहीं बीजेपी का कमल बिहार में मुरझा न जाए, यही वजह है कि देश के बड़े बड़े नेता बिहार में आ रहे हैं। बिहार में हुए सियासी घटनाक्रम को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि 27 फरवरी 2024 को बिहार में जिस तरीके से विधायकों ने पाला बदला, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स का वजह है। हॉर्स ट्रेडिंग करके विधायकों को तोड़ा गया है और इस वजह से तोड़ा गया है कि तेजस्वी यादव का गुरूर टूटे। ये बात तेजस्वी यादव समझ लें कि जनविश्वास से वो जनता के बीच जाएंगे तो उनके दल में भाजपा सेंधमारी करेगी, विधायक टूटेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव इन तमाम बातों के आगे न झुकने को तैयार है, न सुनने को, न रुकने को। तेजस्वी का जनविश्वास यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। तेजस्वी यादव का जनविश्वास यात्रा लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। तेजस्वी जनविश्वास यात्रा के अब आखिरी क्रम में है, वो कुछ और जिलों में जाएंगे, इसके बाद पटना पहुंचेंगे, जहां पटना पहुंचकर तेजस्वी यादव हुंकार भरेंगे पटना के गांधी मैदान से। लेकिन गांधी मैदान में हुंकार भरने से पहले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी विधानसभा में विधायकों की हैसियत से दूसरी पार्टी बन गई। इसके अलावा विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले आरजेडी को ही ना सिर्फ बीजेपी ने तोड़ा, बल्कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर भी उनकी संख्या बल को कम कर दिया है। बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तेजस्वी यादव पर इसका कोई असर फिलहाल पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। वो जो दावे करते हैं कि हम जनता के बीच आए हैं जनता का विश्वास मांगने, जनता की बढ़ती भीड़ ये दर्शा रही है
कि तेजस्वी की एक अलग ही छवि बिहार में बड़े राजनेता के तौर पर उभर कर सामने आ रही है, जिसे बिहार की जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। देखना होगा कि भीड़ को वोट में तेजस्वी कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।